हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद जहां कुछ प्रत्याशी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हारे हुए प्रत्याशियों पर अपना प्रभुत्व भी जता रहे हैं। आए दिन चुनावी रंजिश के कारण मारपीट की घटनाएं जिले में सामने आ रही है। एक बार फिर से चुनावी रंजिश का मामला रीवा जिले में सामने आया है, जहाँ सिमरिया के बधरा ग्राम में सरपंची के लिए जीते हुए प्रत्याशी ने हारे हुए प्रत्याशी और उसके समर्थकों के साथ मारपीट की है। पीड़ित विजय मिश्रा ने बताया कि उनके भाई की पत्नी ग्राम प्रधानी के पद पर उम्मीदवार थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद गांव के ही अनूप पांडे सरपंच पद के लिए चुने गए। पीड़ित ने बताया कि 22 जुलाई को सुबह करीब 7:30 बजे गांव के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर अनूप पांडे ने लाठी डंडे और फरसे से लेकर पीड़ित और उसके लोगों पर हमला कर दिया, जिसे लेकर पीड़ित थाने में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंचा, मगर दबंग स्वभाव का विपक्षी थाना परिसर में ही दबंगई पर उतर आया। पीड़ित को धमकाते हुए उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित ने सेमरिया थाने में मामले में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पीड़ित का कहना है कि वो दबंग से डरे हुए हैं। वो अपने और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा के लिए एसपी कार्यालय रीवा पहुंची हैं और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले में पीड़ित ने क्या जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। अरे अनूप पांडे जो है वर्तमान सरपंच, 8 तारीख को चुनाव जीते और वो चुनाव के विपरीत हमारी भयाहू सुनीता मिश्रा थी। तो चुनाव जीतने के बाद वो जीत हजम न कर पाए, 22 तारीख को हमारे लोगों के ऊपर लाठी डंडा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। 7:30 बजे सुबह उनको लेकर के हम थाने गए। थाने में जब फरियाद करवाने ले गए तो वहीं फिर अनूप पांडे पहुँचे और बोले कि ऐसा है कि तुम ज़्यादा नक्शा हारने के बाद भी दिखा रहे हो, जो तुम संभल के रहना नहीं, तुम्हारे हम खानदान को तुमको सही चुरा देंगे। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह चुनावी वही कि मतलब चुनाव तुम लड़ रहे हो, चुनाव सरपंची वाला चुनाव, सरपंची वाला जीत गए थे तो फिर क्या मैटर। हाँ, जीतने के बाद वही जीत नहीं हजम कर पाए, उसको दूसरे में परिवर्तित करने लगे, धमकी पटकी। कौन मारपीट किया? मारपीट हमारे साथ थे ये अनूप, पुष्पेन, रामाधार, अशोक, संगमलाल, ये सब लोग। थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। कौन थाने का मामला है? ये सिमरिया थाने। गांव कौन सा है? मधरा। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला थाने से? आश्वासन वहाँ से FIR हुआ, इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ, उसी सिलसिले में हमको बोले हम फरियाद करें। तो दूसरे लोग गए थे हमारे समर्थक, उनके साथ हम रिपोर्ट करवाने गए थे, तब हमको वहीं थाने के अंदर धमकी दी। अब आप क्या? अभी आप SP ऑफिस आए हैं तो क्या मामले को लेकर आए हैं? हमको धमकी दिए हैं, 2-3 दिन से हमारे घर में दरवाजे में लाठी डंडे ठोक रहे हैं। इसकी शिकायत आपने स्थानीय थाने में नहीं की? स्थानीय थाने में किया था सर। तो क्या हुआ फिर उसमें? वहाँ FIR हुआ उनके ऊपर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजय कुमार मिश्रा।